के था 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 तो था 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 था। तो लेगा फल में मेरी मैं क्यों ऊपर बता तू तो तू तू वहीं अरे दारू दारू पी ले जो तो काम है ना तेरा उधान तू कुछ नहीं कर सकता कही कह रहा हूं मत हाँ लास्ता भी

तेरी समझ गया लास्ट का तो मैं तड़की बेरा करूंगा तेरा राम लाल चौक में हूं मैं तो मुआ गया कोई नहीं ये तो मैं तेरे तड़की जीवा फायर कराऊंगा ना जी बताऊंगा तने बस आ गया अपनी अरे मैंने सारी आ रिकोड़िंग, सारी रिकॉर्डिंग कर ली तेरी चिंता ना कर करा, करा। ये ऑडियो आप लोगों ने सुनी है कमल और अमित रंगा के दोनों की आपसी बातचीत हो रही है और कमल ने इसके बारे में बता भी दिया था कि मेरे मुँह से गाली गलो जो है निकली है और मैंने तैश में आकर ये शब्द जो है यूज़ किए हैं उसके बाद का मामला जो है आप लोगों को पता है अब मेरे साथ अमित रंगा है उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये सारा मामला कैसे हुआ और कैसे जो है अरेस्टिंग हुई आप बताएं अरेस्ट किया गया था आपको पुलिस ने ये पूरा मामला क्या था कुलवंत भैया पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करूंगा और सारे जितने भी साथी हैं इस चैनल को भाई लाइक करना भैया मैं इसने कमल है डीआईसी में पीएन की पोस्ट पे है एमएसएमई में तो इसने मेरे को सत्ताईस या अट्ठाईस तारीख को नौवे महीने की सत्ताईस या अट्ठाईस तारीख को मेरे को फ़ोन किया ये बार बार दारू पी के सुबह ही दारू पी लेता है जी ये ठीक है जी इसके हाथ वैसे ही कांपते हैं सुबह दारू पी लेता है इसने मेरे को फ़ोन किया ये फ़ोन करता रहा मैंने फ़ोन काटता रहा काटता रहा मेरा इसको एक फ़ोन नहीं है उस दिन का आप रिकॉर्डिंग चेक कर और निकलवा लेना जी कॉल डिटेल ये मेरे को फ़ोन करता रहा मैं इसको बोला भाई फ़ोन ना कर ये ना कर ना कर ये नहीं मानना जी ये बार बार मेरे को फ़ोन करता रहा ये मेरे को गाली गलोच करने लगा मैंने कहा यार कमल क्यों वो कर रहा है आपस में हम दोस्त हैं क्यों वो कर रहा है ये मेरे को जी जान से मारने की धमकी दी है वो रिकॉर्डिंग आपने शायद सुनी है या नहीं सुनी है वो रिकॉर्डिंग मैं भी दे दूंगा आपको उसके बाद ये मेरे को बोलता है मैं तेरे को जान से मार दूँगा तेरी लाश भी नहीं मिलेगी मैं अब कोई आदमी किसी को ऐसे बोलेगा तो बोलेगा भाई मैं तेरी एफ आई मैंने इसको बोला भाई मैं तेरी एफ दर्ज कराऊँगा इस बारे में तो ये मेरे को बोला कि दिखा दिया मैं एस सी सर एस समाज से हूँ है तो वो बोला कि मैं तेरी दिखा दिया तो होगी बात ख़त्म बात ये बोला मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा मैंने तीस तारीख को जाके मैंने सोचा चल कोई नहीं दोस्त था यार ये भी दोस्त है मैंने इसकी दरखास्त देनी होती या मेरा कोई मकसद होता मैं सत्ताईस तारीख को भी दरखास्त दे सकता था किसी को जान से मारने की धमकी मिले तो वो तुरंत जाएगा ना थाने में मैंने वहाँ दारू दरू पी किसी ने कह दिया कि मैंने सत्ताईस को दरख्वास्त नहीं दी अट्ठाईस को इसकी दरख्वास्त नहीं दी उनतीस को इसकी दरख्वास्त नहीं दी मैंने तीस तारीख को दरख्त दी ओल्ड इंडस्ट्रीज थाने में ये उसकी पर्ची है जी मैं आपको दिखा भी देता हूँ तीस तारीख को थानेदार सिंह ये रहे जी तीस तारीख की डेट है जी तीस नौ दो हजार तेईस ये देखो जी सत्ताईस तारीख की बात हुई और तीस तारीख को मैंने दी तो मेरा कोई मकसद नहीं था मैं ये था कि माफ़ी मांग लेगा कोई नहीं गलती होगी और उसके बाद ये मुझे जिस दिन मैंने दरखास्त दी ना मेरे को ऑफिस में मिला ये मेरे को बोला वही एस सी शब्द इसने प्रयोग किया बोला दे दी दरख्वास्त बोला मेरा कुछ नहीं कर सकता तू कर ले तो मैंने सर गुस्सा आया भाई कोई नहीं मैंने भूल भी गया था मैंने तब इसकी दरख्वास्त दी थानेदार थे जी हमारे प्रेम सिंह जी मैंने उनको बताया मगर सर ऐसे ऐसे बात है मुंशी के पास गया मुंशी ने जिस दिन की रूटी थी उसके पास भेज दिया तो वो बोले कि भाई उनसे मिल उन्होंने फ़ोन किया इसको प्रेम सिंह जी ने रिकॉर्डिंग सुन के बोला भाई ये अमित आया हुआ है तोने इसको उल्टा सीधा बोला ये बोला जी मैंने इसको कुछ नहीं कहा वो बोला भाई ये रिकॉर्डिंग तो है ये तेरी है या नहीं है बोला मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जी कुछ नहीं थानेदार ने बोला तो एक बार थाने में आ जा ये बोला कि मैं कैथल हूँ तो उसने बोला भाई आज पुलिस का तो काम है जी आज कल जो मर्जी है मैंने भी इतना प्रेशर नहीं दिया मैंने कहा जी उसको बुला के समझा दो जी मेरे से फलतू मतलब नहीं रखेगा जी मेरे से माफी ये बोला कि थानेदार को ही बोला थानेदार ने कहा भाई आजा जा चार दिन लगेंगे दो दिन लगे बोला जी मैं नहीं आंदा थाने में थानेदार ने ये वर्डिंग करी कि पर्चा दर्ज कर दू इसने थानेदार को भी ये जवाब दिया कर दो जी अब बताओ सर आप उसके बाद ये माफ़ी हमारी नहीं हुई क्योंकि इसने ये पूरा एटीट्यूड दिखाता है जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा मैंने 30 तारीख को दरख्वास्त दी थी जी एस एक्ट में जब मैंने पूरी रिकॉर्डिंग दे दी ये धाराएं लगानी थी 30 तारीख को दी मैंने तो 30 को या 31 को ये एफ आई दर्ज होनी चाहिए थी जी पुलिस की इतनी ढील है आज तक इसमें बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई जी दस बार मैं डी साहब से मिल चुका हूँ कम से कम दस बार इस मामले में थाने में जा चुका हूँ जी डी साहब तफ्तीश करेंगे अरे सर मैंने सारी कभी ऐसी सर्टिफिकेट ला कभी ये ला कभी वो ला कभी वो ला ये तो रही सर एफ की कॉपी उसके बाद मैं छः तारीख को हमारे ऑफिस में थे सर उन्होंने मेरे को बुलाया उन्होंने समझाया कि अमित भाई तू ऐसे ऐसे करके कर ले इससे कोई बात नहीं मेरे मैं मैंने कहा सर मैं लिख के दे दूंगा जी मैंने तीन बज दो बज के कुछ चालीस मिनट पे या पैंतालीस मिनट पे मैंने एफिडेविट यहीं से लिया था मैंने कहा भाई लिख के दे दूंगा खाम खाई में कोई नहीं है माफ़ी मांग लेगा जी उससे एक दिन पहले अगर मेरे मन में कोई सर वो होता जो मेरे को बदनाम किया जा रहा है वो मैं सारी बात आपको बता दूंगा मेरे पास गवाह भी हैं और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी निकाल ली है पुलिस ने मैं डीएसपी साहब से मिला मैंने डीएसपी साहब को सारी बातें ये लिख रखा है जी इसमें बता दी थी कि सर मेरे को आप प्रेशर बनाया जा रहा है डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है मेरे को ये कह रहे हैं पैसे लेके समझौता करिए मैंने इसमें लिख रखा है सर डीएसपी साहब ने मेरे फ़ोन से ही थानेदार साहब को फ़ोन किया छः तारीख को इनको कल सुबह दोनों को बुलाओ सात तारीख का जिस दिन मेरे साथ ये किया भाई इसको ये तो पूरे पैसे मांग रहा था अगर मैंने पैसे ही लेने होते सर तो मैं छः तारीख को डी साहब से क्यों मिलता ये कह रहे हैं पाँच तारीख को मेरे से पैसे ले गया यही कह रहे हो ना सर आप ये देखो मैं मैंने डीएसपी साहब को लिखा है डीएसपी साहब को मैं दे के भी आया था अप्लीकेशन लिख के छः ग्यारह को सुबह छः बज के ग्यारह छः तारीख ग्यारहवा महीना दो हज़ार तेईस को ग्यारह बजे मैं डीएसपी साहब से मिल के आया और मेरे फ़ोन से ही फोन कर रखा है जी आईओ को अच्छा ये आ, एक जो वीडियो आ रही है उसमें आप एक लाख रुपए जो गिन के आपको पकड़ाए जा रहे हैं है दो लाख तीस हजार या ढाई लाख रुपए की जो बात चल रही है, है कि ये पैसे रख लें आपने पैसे हाथ में रख के फिर पैसे टेबल पे रख दिए हाँ। जो वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ। है, है। उसके है। उसके बाद आपने कहा कि आज ही फैसला होना चाहिए आज मुकाओ उस चीज को खत्म करो फिर फिर वो एक जो पंचायती बीच में बैठे हुए हैं वो उसको कह रहे हैं शिकायत करता हुआ कह रहे हैं जिससे जिसके ऊपर एफ आई आर हुई है उसे कह रहे हैं आज का पैसों का इंतजाम कर ले आज ही तेरा वो कह दो बीरभान जी थे जी वो बोले कमित मेरे कहने से तुमने चलना है मैंने कहा ठीक है बीरबान भाई मैं आपके कहने से चलूंगा मेरी बीरबान से ये बात हुई थी इसको एहसास दिलाना है हमने कि कभी किसी समाज के खिलाफ गलत नहीं बोलना है उन्होंने मेरे को पता है कोई कुंडू कुंडू था लड़का वो वीडियो बना रहा था मेरे को पता है सर इस बारे में वो वीडियो बना रहा और मैं कैमरे के सामने बैठा मेरे मन में कोई डर होता या कुछ होता तो मैं वहाँ से हट जाता वो फ़ोन में कोई वीडियो बनाएगा सबको पता है आजकल सोशल मीडिया का टाइम एक मिनट लगती है मैंने पैसे नहीं लिए वो नहीं लिए मैंने वीरभान को ये कहा था मैं बीरभान इसको एहसास कराना हमने कि ये कभी नहीं बोलेगा मेरे से सिर्फ माफ़ी मंगवानी है ठीक है ये बात हमारी होगी थी वह जो नहीं ठेकेदार है कोई जो भी वो है कोई वो वो भी मेरे पास उन्होंने मेरे को परसों पचास फ़ोन करे मैंने यही कहा भाई मैं कर लूँगा समझौता मेरे से माफ़ी मांगे सबसे पहले इनकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया मेरे को लेटर मिल गया अचहत्तर हज़ार रुपये का सर अट्ठाईस हज़ार रुपये मेरी सिक्योरिटी जमा थी जी पंद्रह हज़ार वो हो गए इन जो भी वो अब जिसका नुकसान होता है सर वो कहता भरपाई कर देगा मेरे से गलती हो जाती है आपको पता है सर सारा उसके बाद मैं क्या नाम लेते हैं इन्होंने मेरे को बोला मैंने मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं सर पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाई पुलिस ने जिस दिन मेरे को पकड़ा मेरे पास कुछ नहीं मिला सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो भी कह रहे थे भाई नोटो नोट मिले मेरे पास कोई नोट नहीं मिले उस लड़के ने अपनी जेब से निकाल के पुलिस वालों को दिए जी पुलिस के पास कोई वीडियो नहीं है इस चीज़ की कोई पुलिस के पास फोटो नहीं है जो मेरे पास पैसे मिले जो कल पकड़ा आपको पुलिस एक भी वीडियो दिखा दो दिखा दे आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ पुलिस जो मेरे को सजा देगी मैं बिना कहे जेल में पुलिस के पास वीडियो ही नहीं है सर पुलिस ने और जो भी टीम बनाई थी सब झूठा है कोई कुछ नहीं है गवाह है मेरे पास मैंने कोई पैसे नहीं लिए उस लड़के ने अपने हाथ से दिए जेब मेरे हाथ में कोई कलर नहीं मिला नोट नहीं पुलिस ने पूरा पुलिंदा बना बनाया इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी ये ये फिर आपको अरेस्ट किस बेस पे किया जम, जमानत फिर मिल गई साथ के साथ हाँ सर जमानत इसलिए मिल गई मेरे को एक रात इन्होंने जो भी किया हो रखा मेरे को कोई बात नहीं मेरे को कल कोर्ट में ले गए मजिस्ट्रेट ने पुलिस की क्लास लगाई है पुलिस की क्लास लगाई है कल मजिस्ट्रेट ने वहीं जो भी मेरे ऊपर धाराएं लगाई पुलिस कोई ये कहा गया जब आपको पता था अवेलेबल ऑफेंस है तो आपने बंदे को वो क्यों किया पुलिस वालों की बहुत अच्छी क्लास लगाई है मैं धन्यवाद करता हूँ जज मैडम का कि और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत गलत हो रहा है अगर ये काम डीएसपी साहब या एसपी साहब की नॉलेज में जब एस एक्ट में एफ दर्ज करनी होती है तो इन्होंने क्यों नहीं करी पंद्रह दिन जब मैंने तीस तारीख को दरख्वास्त दी तो इन्होंने पहली बात तो इतनी तारीख को वो कर देनी चाहिए थी ये काम ही ना बनता दी और मैंने मुकदमा दर्ज हुआ और ये सोलह एक को मुकदमा दर्ज हुआ सोलह दस को उसके बाद भी तप्तीस पे डाल दिया जब मैं रिकॉर्डिंग दे दीजिए वो रिकॉर्डिंग झूठी रिकॉर्डिंग झूठी होगी तो मेरे ऊपर नहीं एफ आई आर होगी भैया एक रिकॉर्डिंग शायद उन्होंने और दिया जिसमें आप ये कह रहे हैं कि एस सी एक्ट का इतना पैसा मिलता है सरकार की तरफ से और पच्चीस हजार रूपए महीना भी मिलते हैं पता नहीं वो मेरे को वो वो मेरे को ये ये बता रहा हूँ सर मैं मैं बता रहा हूँ मैं मैं गया था मेरे पास फ़ोन आया था सर वहाँ से ऑफिस से पता नहीं कौन सा ऑफिस था मैं बता देता हूँ आपको ये मैं कर कर सारे मेरे पास कागज़ हैं इस चीज़ के मेरे को बोले कि भाई आपको पच्चीस हजार रुपये मिलेंगे वो मेरे को पता नहीं क्या उन्होंने बोला क्या नहीं महीने में मिलेंगे या जैसे में बोला आपको पच्चीस हज़ार रुपये मिलेंगे वो मेरे को नहीं पता उन्होंने जैसे भी बोला था मेरे को ऊपर से फ़ोन आया मेरे वो लेटर है उसका भाई जो जाता है जो एस एक्ट में पीड़ित को मिलता है ये वो पच्चीस हज़ार का मैं मेरा फार्म भरवा दिया कितनी तारीख को सर छब्बीस दस को अगर मैं कोई मेरे मन में झूठ होता उन्होंने जैसे मेरे को बताया मैंने अगले को अगले को बता दिया मेरा तो मन साफ था मुझे कोई इस बारे में थोड़ा ना होता छब्बीस दस को मेरा वो बल्कि मेरे पास कल नहीं जिस दिन ये काम हुआ उस दिन भी फ़ोन आया कोर्ट से कि भाई एक बार आप साइन करके जाओ छब्बीस दस को नीचे मैं करके आया था सर उनासी नंबर मेरा टोकन था ये मैंने फॉर्म भर रखा वेलफेयर एस सी बी सी का ये पच्चीस हज़ार का ये है सर अच्छा दूसरा एक ये है कि कभी आपने किसी और के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी थी वो बता रहे कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी बाद में समझौता हो गया था हाँ जी कोई स, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी के बारे में गलत लिख दिया था सर ये रहा वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने उसकी दरख्वास्त दी थी कि भाई ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ये गलत है ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए नहीं। ये रहा सर ये रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसी समाज के ही हैं सब नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो लगाते कोई भी पार्टी हो सबसे पहले बाबा साहब का ना क्योंकि उन्होंने कानून बना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम भीम का प्रयोग करते हैं उनको भीमटा क्या वो किया वो बोल दें जिसका कह रहे हैं कि भाई पैसे लेके समझौता किया उनको मेरे सामने ला दो आपके चैनल के माध्यम से ला दो भाई या कोई वो मिल जाए कोई गवाह मिल जाए कोई फोटो मिल जाए किसी भी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए जो आपसा ज़्यादाओगे मैं बिना कहे आपसे वो मांगूंगा माफी मांगूंगा आपके चैनल के आप ये कह रहे हैं कि आपको झूठे में बसाया हाँ, झूठा है सर पुलिस पे कोई मिला ही नहीं सर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की क्लास लगाई है मैजिस्ट्रेट ने मैजिस्ट्रेट ने पुलिस के पास कागज नहीं मिला पता नहीं क्या नहीं था चेक लिस्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं था पुलिस को यह कहा गया जब नॉन अवेलेबल एफेंस था तो आपने क्यों अरेस्ट किया नोटिस देना था और बाकी सर वकालत के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है चलिए अमित अमित रंगा है परसों का ये मामला है और कल जो है जमानत तो ये एक रात जो है आपको हवालात में रखा है हाँ एक रात हवालात में रखने के बाद जो है जमानत दे दी गई बाकी सच क्या है झूठ क्या है ये कोर्ट के फैसले के बाद ही जो है आएगा फिलहाल मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है लेकिन हम दोनों पक्षों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए थे आपको क्या लगता है कि कौन सा पक्ष झूठ बोल रहा है कौन सा पक्ष जो है सच बोल रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पानीपत के पानी प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह